सो गाइज, अब हम इनहेरिटेंस को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक समझते हैं हम, एसेसिबिलिटी ऑफ बेस क्लास। इसमें हम समझेंगे क्या कि हमने एक क्लास बनाई बेस नाम की, और अंदर तीन चीज़ें रखी, एक प्राइवेट डेटा, सेकंड प्रोटेक्टेड डेटा और तीसरा पब्लिक डेटा। तो ये प्राइवेट डेटा कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा, प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ होगा और पब्लिक कहाँ होगा। आप सभी जानते हैं प्राइवेट डेटा हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है, बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता और उसकी ड्राइव्ड क्लास में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि एक्स वाला डेटा मेंबर यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकेगा। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मतलब क्या होता है कि हम क्लास के अंदर तो यूज़ कर ही सकते हैं, बल्कि हम उसकी ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। पर जैसे ही हम इस मीन्स क्लास के बाहर जाएंगे अपने फंक्शन पे, सॉरी अपने मेथड पे, तो हम इस बाई को यूज़ नहीं कर सकेंगे बिकॉज़ वो प्रोटेक्टेड है। अब बारी आती है तीसरे की, डेट इज़ पब्लिक। तो पब्लिक तो पब्लिक है, हम इसे क्लास के बेस क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक को समझने के लिए। अब अपन विजुअल स्टूडियो पे आते हैं। मैंने यहाँ किया क्या है, एक क्लास बनाई है बेस नाम की, और उसके अंदर एक मेथड पब्लिक वॉइड शो, जो कि कोई मैसेज शो करेगा। तो मैंने यहाँ शो कराया बेस क्लास। फिर मैंने क्या किया, एक ड्राइव्ड क्लास बनाई इस बेस क्लास की, और इसके अंदर कोई भी मैसेज नहीं दिया, मींस कोई भी ना डेटा मेंबर है और ना ही मेथड है। और फिर मैंने क्या किया, अपने इस ड्राइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्या लिखा, ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ड्राइव्ड, और क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट शो। तो अब आंसर क्या आएगा, हमने तो यहाँ कोई भी मेथड यूज़ नहीं किया है। करके देखते हैं एक बार रन, तो हमारा आंसर आया बेस क्लास। क्यों आया, बिकॉज हम अपनी बेस क्लास के भी डेटा मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइव्ड क्लास में, इस वजह से आया। और अब मान लो कि हम ये वाला सो मेथड अपनी ड्राइव्ड क्लास में बनाए, तो यही सो नाम का, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। हमने कॉपी किया एंड देन पेस्ट इट, बस यहाँ बेस की जगह ड्राइव्ड कर दे। अब इसे रन करके देखते हैं, तो आंसर हमारा आया ड्राइव्ड क्लास। ये क्यों आया, बिकॉज अब हमारा जो सो मेथड बनाए ड्राइव क्लास में, अब वो अपने बेस क्लास के मेथड को हाइड कर रहा है। मींस ये वाला सो मेथड जो हमने ड्राइव क्लास में बनाया है, अब वो क्या कर रहा है, इस वाले सो मेथड को हाइड कर रहा है। यहाँ आपको वार्निंग दिख रही होगी, ये क्या लिखा है, ड्राइव्ड सो हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर बेस सो। जो मैंने बोला, यूज़ द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वॉज इंटेंटेड, ये बोल कह रहा है कि हमें यहाँ न्यू कीवर्ड को यूज़ करना होगा अगर हमें इस वार्निंग को हटाना है। सो गाइज, ये न्यू कीवर्ड करता क्या है, ये न्यू कीवर्ड ये बताता है कि हम यही नाम का, मीन्स सो नाम का मेथड अपनी ड्राइव्ड क्लास में नया बना रहे हैं, और हम इस सो मेथड को जो बेस क्लास में डिफाइन है उसे हाइड करना चाह रहे हैं। गाइज, अब बात आती है कि हम अगर अपनी ड्राइव्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएं और सो मेथड को कॉल करें, तो हमारी बेस क्लास का मेथड कॉल हो, तो हम क्या करें, तो हमें यहाँ कीवर्ड यूज़ करना होगा बेस। तो पहले मैं इन्हें कमेंट कर देता हूँ, और यूज़ करना होगा कीवर्ड बेस। ये बेस क्या बताता है, कि ये वाला बेस बेस क्लास होगी हमारी। अब मुझे कुछ चूज़ करना होगा, इसमें मैंने चूज़ किया सो मेथड एंड देन सेमीकॉलन। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, वो बेस क्लास पर जाएगा और चेक करेगा क्या कोई सो मेथड है, अगर है तो उसे ही कॉल किया जाए। ठीक है, तो अब हम इसे रन करते हैं कंट्रोल F5 प्रेस करके, सी द आउटपुट गाइस, हमारा आंसर आया बेस क्लास। सो गाइस, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, वो समझते हैं। मान लीजिए एक हमारी क्लास थी बेस क्लास,
और उसकी बहुत सारी ड्राइव्ड क्लासेस थी। तो हम कर क्या रहे थे, हम अपनी ड्राइव्ड क्लासेस में ही सारे मेथड्स और सारी अपनी जो इच्छाएं वो पूरी कर पा रहे थे। मींस हमें अपनी बेस क्लास को यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइव्ड क्लास को यूज़ करना है। तो अब हम चाहते हैं कि इस बेस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बना पाए, सिर्फ और सिर्फ ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बने। तो अब हम क्या करेंगे, इस बेस क्लास के आगे लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो अब इस बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिखते हैं बेस सो गाइस सी, हमारे पास एरर आया। एरर है क्या, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस बेस। तो इसका मतलब तो साफ है कि हम इस बेस क्लास का अब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो सो गाइस जब हम अपनी ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सील्ड क्लासेस। अब बारी आती है कि सील्ड क्लास क्या होता है। मान लीजिए कि हमारी कोई एक ऐसी क्लास है जिसकी हम सब क्लासेस नहीं बनाना चाहते, तब हम इस सील्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या किया, ये बेस क्लास की ड्राइव क्लास बना ली है, यस और नो। तो अगर हम इस बेस क्लास को सील्ड कर दें तो हम इस बेस क्लास की ड्राइव क्लास नहीं बना पाएंगे, अगर बनाते हैं तो एरर आएगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सील्ड और फिर यहाँ देखते हैं अपन, आ गई एरर। क्या आई, ड्राइव्ड कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड टाइप बेस। सो सील्ड क्लासेस का ये कॉन्सेप्ट है। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।